शिक्षक तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज आप ऐसा कीजिए मेरे पुत्र को जल पिला दीजिए और जल पिला करके पुत्र की प्यास बुझा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जब ये बात कही तो कहने के बाद आज हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि देखो तारा, और ये सुशील शर्मा नगला बेटा से ये 9 दिन लाइट फ्री और 8 दिन प्रसाद फ्री, इनका ये दान है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही कारोबार में उन्नति होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हमेशा ऐसे ही उजाला करते रहे अपनी लाइट के द्वारा। ये भगवान से कामना ही आराधना है। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। तो हरिश्चंद्र का तारा, जब तक इन महात्मा का कर अदा नहीं कर देंगे तब तक हमें बूंद भी पानी न पिएंगे न अपने पुत्र को पिलाएंगे। इसे ले चलो, उसको उठाओ, उसे ले चलो काशी में। चले तीनों प्राणी, चलते चलते पांचवे दिन जाके काशी में पहुंचे। पांचवे दिन जाकर के जब काशी में पहुंचे तो महाराज विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया। आवाज लगाई, काशी के लोगों, भैया किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आ करके उससे नौकर खरीद ले। तो काशी के चौराहे पर भीड़ लग गई, ऐसा लग रहा है मानो मेला लग गया। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, बिक रहे तीनों बजरिया में, बजरिया में भैया मच्छी को शोर न करिया में, भैया मच्छी को शोर न करिया सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उस भीड़ में से ब्राह्मणी निकल के आई, उस ब्राह्मणी ने पूछा इस स्त्री का क्या मोल है। विश्वामित्र बोले स्त्री का मोल भी है 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, तारा को खरीद लिया। हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब कौन बचा? रोहितास, रोहितास बचे। अब जब रोहितास बचे तो रोहित ने देखा कि पिताजी को खरीद लिया कालू मेहतर ने, माँ को खरीद लिया ब्राह्मणी ने, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं। तो रोहित ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए, तारा के पैर पकड़ लिए, और तारा के पैर पकड़ करके रो करके रोहित बोले, माँ पिताजी को भी, पिताजी भी बिक गए, तुम भी बिक गई, बस मेरा मोल करने वाला कोई नहीं। ऐसा ना हो कि हमें कोई और दूसरा खरीद ले और फिर हम कहीं भटक जाएं, फिर हम किसके सहारे जिएंगे। माँ तेरे बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तेरे बिना हम मर जाएंगे, मुझे भी अपने साथ ले चल। अब तारा ने अपने पुत्र की ये बात सुनी तो तारा ने अपने पुत्र को अपने कलेजे से लगा लिया, पूत जहां हम जाएंगे तहां तुझे साथ लेके जाएंगे। क्योंकि माँ पुत्र का ऐसा संबंध होता है, माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती और बच्चे अपने माँ के बिना नहीं रह सकते। और यहाँ तक कि व्यक्ति जब बूढ़ा भी हो जाता है तो बुढ़ापे में जब बीमार होता है तो मुख से राम का नाम नहीं निकलता, माँ का ही नाम निकलता है, माँ का ही नाम निकलता है। माँ बच्चों का संबंध बड़ा प्यारा होता है, बड़ा अटूट संबंध होता है। हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के बच्चे जो होते थे वो माँ बाप की सेवा करते थे और आजकल के बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। पहले के बच्चे माँ बाप का एहसान मानते थे,
हमारे लिए किया ही क्या है। माँ कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, तो बच्चे होशियार हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, नौकरी वाले हो जाते, तो कहते 9 महीने का किराया ले लो हमसे, 9 महीने का किराया ले लो, अपना एहसान पूरा कर दो, तुम्हारा एहसान हम पे न रह जाए। अच्छा देखिए, बेटा अपने बाप को उल्टा सीधा बोल सकता है, बेटा अपने माँ को उल्टा सीधा बोल सकता है, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि अपने बच्चे को कभी बुरा भला नहीं बोल सकती है, कभी नहीं। कभी माँ अपने बच्चे का ये नहीं सोच सकती कि इसका बुरा हो जाए। बेशक बेटा माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे, फिर भी माँ हमेशा अपने अपनी आत्मा से एक ही आवाज निकालेगी, तूने बेशक मुझे घर से बाहर निकाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन तू हमेशा खुश रहना। लेकिन आजकल के लोग ये भूल जाते हैं कि जो दशा आज हम अपनी माँ बाप की कर रहे हैं, वही दशा आगे चल के हमारी भी होनी है। फल सबको मिलना है कर्मों का, याद रखना। एक बार की बात सुना दादा, एक बार एक बूढ़ी अम्मा रहे, तो वो बूढ़ी अम्मा जो थी वो अपने घर में रहती थी, उसका एक बेटा था। बेटे की शादी कर दी, घर में बहू आ गई, बहू के गर्भ से एक लड़के ने जन्म ले लिया, लड़का हो गया 5-6 साल का। बूढ़ी अम्मा को उसको आ गया बुढ़ापा, तो वो महाराज बीमार होकर के चारपाई पे लेट गई। अब बीमार इतनी हो गई कि महाराज अब वो खटिया से उठ भी नहीं पाती, इतनी बीमार, बहुत बीमार। बहू से कहती बहू एक गिलास पानी पिला दे, तो बहू पानी नहीं पिलाती। लड़के से कहती बेटा एक गिलास पानी पिला दे, तो बेटा भी पानी नहीं पिलाता। अच्छा नाती और नौतन को, दादी और बाबा को, उनको संबंध बड़ो बढ़िया होते करे। दादा दादी का और नाती नातिन का संबंध बड़ा अच्छा होता है। जितना प्रेम बच्चे को माँ बाप नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम दादी दादा अपने बच्चों से करते हैं, नाती नातनों से करते हैं। तो नाती देखता था कि मेरी दादी खटिया में पड़ी रहती है, बीमार है, और मेरी माँ मेरी दादी को पानी नहीं पिलाती। तो वो जो बेटा था 5 साल का, वो गिलास में पानी लेके जाता तो उसकी माँ उसको झटका मार के महाराज कमरे में बंद कर देती। कहाँ सड़ी हुई डोगरी के पास जाता है जल लेने के लिए, तू भी बीमार हो जाएगा, वो तो वैसे भी बीमार है, तू भी बीमार हो जाएगा। तो उस बच्चे को नहीं जाने देती। बच्चा सब देखता था कि मेरी माँ मेरी दादी के साथ कैसा सलूक करती है। धीरे धीरे वो जो अम्मा थी बूढ़ी अम्मा, वो बीमार हो महाराज जो थी बीमारी की अवस्था में वो मर गई। एक दिन वो मर गई। एक खंडर सा था, एक टूटा फूटा सा कमरा, बाई कमरा में टूटी खटिया डरी रात थी, बाई पे फटे पुराने बिछोना, और बाई पे मैया लेटी रात थी बूढ़ी अम्मा। कुछ दिन बाद मर गई बेचारी। अब जब मर गई तो बाकी बहू आई, भाई बहू सुबह बहू खटिया को बिछौरन को उठाई का फेंकन जान लगी, सो पीछे से वो बच्चा आई हो 5 साल को, बन गई मम्मी ये दादी की खटिया दादी की बिछौना जिन्हें कौन ले जाए रहे। तो बाकी अम्मा ने कही जब फेंकन जाए रहे हम बेटा, अब का हो इनको सड़ी डुकरिया आती मरी अब जगह बिछौना को खटी फेंक दे, का हो ये बुरे बदबू देते ने फेंक दे चल गए बेकार के हैं जी। बच्चे ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, माँ इनको फेंको नहीं, इनको संभाल के रखो, बुढ़ापा जब तुम्हें आएगा तो जनई खटिया पे जनई बिस्तर में तुम्हें पड़े, जई खटिया पे जई बिस्तर पे तुम्हें लटाई, इन्हें फेंको नहीं। तो याद रखना, इंसान जब दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है ना, तो ये सोच जाता है, भूल जाता है कि आगे हमारे ऊपर भी बुढ़ापा आने वाला है, किसी के ऊपर जवानी नहीं बनी रहेगी। लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, अगर हम माँ बाप के सास ससुर का बुरा करेंगे तो हमारे बच्चे हमारा बुरा करेंगे। इतना विशेष ध्यान रखा करो, सास कितनी भी बुरी हो, ससुर कितना भी बुरा हो, फिर भी उनकी सेवा करो, फिर भी उन्हें अपना समझो, याद रखना। एक बार एक और दृष्टांत आ गया याद, हम आपको बताए दे रहे हैं। एक लड़की ने किसी से कहा होगा कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी, बड़े ध्यान से सुन लेना, एक दृष्टांत बड़ा प्यारा। एक लड़की ने किसी से कहा कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कियों को सौंपने के लिए दे दी जाए, माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कों के ऊपर नहीं बल्कि लड़कियों को दे दी जाए, तो माँ बाप जो हैं वो बड़े ही सुख से अपनी जिंदगी काटें। एक लड़की ने कहा,
एक लड़की ने कहा कि माँ बाप की जिम्मेदारी अगर लड़कियों को दे दी जाए तो माँ बाप हमेशा सुख की जिंदगी जिए। तो एक लड़के ने उस लड़की का जवाब सुन के उस लड़के ने उस लड़की को लड़की से कहा कि अगर हर लड़की ससुराल में आ करके उन्हीं सास ससुर को अपने माँ बाप समझने लगे तो आज दुनिया से वृद्धाश्रम की प्रथा खत्म हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। बात समझ में आ गई। और दीक्षा इनकी तरफ से ये 100 रुपया ही एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे कि ये बहन हमेशा हंसती मुस्कुराती बनी रहे, माँ बाप का नाम रोशन करती रहे, हमेशा माँ सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे, शिक्षा में आगे बढ़ती रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोली भाग्य बिहारी लाल की। रोहित ने मैया से कहा माँ मुझे अपने साथ ले चल, तो तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए। माँ मेरा पुत्र मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरे पुत्र को भी खरीद लो। तो ब्राह्मणी को दया आ गई, तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना और दिया और दे करके महाराज रोहित को भी खरीद लिया। अब तारा रोहित बिक गए ब्राह्मणी के हाथों, हरिश्चंद्र बिक गए कालू मैतर के हाथों, तीनों प्राणी बिक गए। अब हरिश्चंद्र से कालू मैतर ने कहा चल मेरे साथ। अब हरिश्चंद्र चलने लगे, मन में इतना कष्ट है, इतना महाराज हृदय सजल है, आंखों में आंसू हैं। अब हरिश्चंद्र चले, लेकिन जब हरिश्चंद्र चले तो उन्होंने मुड़ करके अपनी पत्नी और अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। अब जा रहे हैं हरिश्चंद्र, तो तारा ने कहा जा तो रहे हो, एक बार पत्नी और पुत्र की तरफ तो मुड़ के देख ही लो, फिर पता नहीं जिंदगी में कब मिलना हो, पता नहीं इस अनजान शहर में अनजान जगह हम किस मोड़ पर मिले, चलते समय एक बार तो देख लो। तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही तारा की तरफ मुड़ के देखा आंखों से आंसू निकल पड़े। अब जैसे ही आंखों से आंसू निकल पड़े तो महाराज आज हरिश्चंद्र ने तारा से कहा हे तारा मुझे क्षमा कर देना। दोनों हाथ जोड़ के बोले तारा मुझे क्षमा कर देना, लोग मर जाते हैं, लोग हर कठिनाइयां का सामना कर लेते हैं, लेकिन अपने घर के ऊपर अपने बच्चे अपनी बीवी के ऊपर कभी आंच नहीं आने देते हैं। लेकिन हे तारा मैं बहुत दुष्ट पति था, मैं बहुत दुष्ट व्यक्ति था जिसने जीते जी अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया। हमसे कोई भूल हुई हो तारा तो हमें क्षमा करना, हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था, तुम भी जाओ हम भी जा रहे हैं, आनंद से जीवन जीना, मेरे पुत्र को सत्यवादी निष्ठावान धर्मवान बनाना, जो मेरा पुत्र मेरे ही जैसा बने, वैसा दूसरों का भला चाहना, हम जा रहे। इतना कह के हरिश्चंद्र वहां से आ गए। हरिश्चंद्र कालू मैतर के यहाँ पर आकर के रहने लगे परीक्षा जी। और जब हरिश्चंद्र कालू मैतर के यहाँ पर आकर के रहने लगे तो हरिश्चंद्र के लिए कालू मैतर ने एक दुकान नियुक्त कर दी दुकान, और कहा कि हे हरिश्चंद्र जब भी तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान पर आया करना, भोजन कर जाया करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम मेरे यहाँ भोजन करो तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। तो हरिश्चंद्र के लिए दुकान नियुक्त कर दी। अब हरिश्चंद्र उस दुकान पर रोज जाते भोजन करने के लिए, लेकिन दशा क्या है, जैसे ही हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते तैसे ही दादा विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते और हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र निवाला तोड़ते और खाने का प्रयास करते, नजर पड़ती उस जीव की तरफ तो हरिश्चंद्र सोचते हम आज नहीं कल भोजन कर लेंगे, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, लाओ हम अपना भोजन इस जीव को करा दे। तो हरिश्चंद्र अपना भोजन उस जीव को करा देते। ऐसे धीरे धीरे करके हरिश्चंद्र को एक महीना बीत गया, एक महीना, लेकिन हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब सारा भोजन विश्वामित्र खा जाते तो हरिश्चंद्र क्या ही खाएंगे। एक महीना हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति एक महीने तक भोजन ना करे उसकी दशा क्या होगी, सोचो। शरीर जर्जर हो गया, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, दुबले पतले हो गए, महाराज जर्जर स्थिति हो गई। अब हरिश्चंद्र ऐसे इनकी दशा खराब हो गई। मैया एक दिन कालू मैतर ने घड़ा दिया हरिश्चंद्र को और घड़ा दे करके कहा के अरे अरिया ये घड़ा ले और जा जा करके नदी से जल भर ला। अब हरिश्चंद्र ने
वही डगमगाते वही बेचारे पहुंचे नदी पे, तो नदी पे जाए के महाराज घड़ा तो भर लो, लेकिन उठाए की कोशिश करी तो ताकत हती नहीं, घड़ा उठो ताकत लगाई घड़ा नहीं उठो, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, ताकत लगा लगा करके हार गए घड़ा नहीं उठा। और जब घड़ा नहीं उठो सो थक के बैठिए और रोन लगे, रोने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़े, प्रार्थना की, हे प्रभु हे नाथ अगर कोई नेको देरी हो गई, मेरे मालिक बहुत चिल्लाए, बहुत मारे गो हमें, बहुत डांटे गो हमें, काऊ ऐसे को भेज देओ जो मेरो जो घड़ा उठवाए देवे और वही घर तक पहुंचाए देवे। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, तब तक उसी नदी पर तारा आई जल भरने के लिए, तारा तारा आई तो तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। अब जैसे ही देखा तो महाराज तारा ने हरिश्चंद्र से पूछा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो हरिश्चंद्र बोले, मैं तो यहाँ जल भरने के लिए आया था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा बोली, महाराज हम भी जल भरने को आए थे। अब तारा ने कहा, महाराज आपने तो घड़ा भर लिया, फिर अभी तक आप गए क्यों नहीं? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैंने एक महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ऐसा करो मेरा घड़ा उठवा दो, घड़ा उठवा दो मेरा। तारा ने जैसे ही ये बात सुनी तो तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम्हारी अकल ठिकाने है कि नहीं है महाराज? तुम हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हारा घड़ा उठवा दें? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मैत्र के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते। अरे अगर हम तुम्हारा घड़ा छू लेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा घड़ा नहीं छुएंगे। जो ये बात कही हरिश्चंद्र ने कहा, वाह तारा, क्या तुम वही तारा हो जो एक दिन मेरे दुख में बिक गई थी और आज धर्म में फंस गई, आज धर्म की बातें करने लगी? वाह धर्म की बातें, याद करो बाद दिन की, किस दिन की? सुनो तारा, अरे कहा बिगड़े को तेरो और रनिया दे घुसोगे और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा तुम्हारे सर पे
आ जाएगा। तारा ने घड़ा भरा परीक्षा जी, तो तारा चली गई घड़ा भर के। हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए, जल की लहरें जब हरिश्चंद्र की तरफ आई सोई घड़ा उनके सर पे आ गया। जब हरिश्चंद्र के सर पे वो घड़ा आया तो आज हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के चले। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, शरीर तो कमजोर था ही, जर्जर स्थिति है हरिश्चंद्र की। चले चलते चलते आधी रास्ते में पहुंचे, ठोकर लगी, घड़ा फूट गया, पछाड़ खा के गिर पड़े। अब जैसे ही घड़ा फूटा पछाड़ खा करके गिर पड़े, तब तक कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने देखा, जवाब दिया, ओरे हरिया तुझे घड़ा फोड़ रहा है, पैसा का तेरे बाप के लगे है? जब पैसा तेरे बाप के लगे, तेरे बाप देना आए रहे यहाँ पैसा? तू ये रोज घड़े फोड़ता रहेगा, तुझे कहाँ से घड़े ला ला करके देंगे? भोजन नहीं करता है क्या? तेरे अंदर शक्ति नहीं रही क्या? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, बोले मालिक गुस्सा ना करो, क्षमा कर दो, आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको कष्ट पहुंचे। मैंने एक महीने तक भोजन नहीं किया, तो महाराज शरीर में शक्ति नहीं रही, क्षमा कर दो, आज के बाद हम कोई घड़ा नहीं फोड़ेंगे, टाइम से काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, क्षमा कर दो। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, सुन अब तू घड़ा भरने के लायक नहीं रहा है, जल भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कंबल और जा, जा करके मरघट की रखवाली कर, और याद रहे कोई भी लाश आए तो बिना कर और कफन लिए किसी लाश को नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, मरघट पर जा करके मरघट की रखवाली करने लगे, मरघटिया बन गए। बारिश समय कहा जाता है परीक्षा जी, कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसानी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, समय जैसा कि हमने बताया कि दुख हो तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए, ज्यादा कम नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि दुख आ जाता है तो 24 घंटे मूड पकड़े बैठे, रात के हम करें तो करें का, अब करें तो करें का, भगवान बहुत गुरु है, हमारे ऊपर दुख ही दुख है। 24 घंटा रोना दुख में, 24 घंटा रोना, और सुख आ जाए, पैसा आ जाए तो फूले नहीं सवार, तो फूले नहीं सवार, फिर कहा भगवान, कहा अम्मा, कहा दत्ता, कहा घर का परिवार, कहा दुनियादार, फिर तो अपने ऐस में जीते, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, समा